स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। देखो एक्सपांडेड फॉर्म में क्या है, आपको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है, मतलब इसको विस्तार रूप में लिखना है। अब जैसे आप इसको पढ़ते हो, ये क्या है, इसकी थ्री की प्लेस क्या है, वन, फोर की प्लेस टेंस और टू की प्लेस हंड्रेड। तो इसको क्या पढ़ते हैं अपन, 243। क्या पढ़ते हैं अपन, 243। तो अपन ने क्या बोला, 200। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 200। फिर क्या लगेगा, प्लस। तो अपन ने लगा दिया प्लस। फिर क्या बोलते हैं अपन, 40। तो 40 देन प्लस और क्या है, 3। तो अपन ने क्या लिख दिया, 3। और ये क्या था, 243। और अपन इसको कैसे कर दिया, एक्सपांड कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया, जैसे 200 प्लस 40 प्लस 3। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये कितना लिखा है, 2। अब 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2। तब कितने जीरो लगा दोगे, 1 2 2 0 लगा दोगे। फिर क्या लिखोगे, प्लस। अब क्या है, 4। तो 4 लिखो, 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 1। तो कितने जीरो लगा दोगे, 1। देन प्लस लगाओ, फिर क्या है, 3। तो लिखा 3। अब 3 के पीछे कोई डिजिट है क्या, नहीं है, तो अपन ने 0 भी नहीं लगाया। देखो एक और नेक्स्ट देखते हैं, मैंने क्या लिखा, 675। क्या है, 675। और ये क्या है, 6। 6 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2। तो अपन क्या लिखेंगे, 6। और कितने जीरो लगा दी, 1 2। तो ये क्या हो गया, 600। फिर क्या लगेगा, प्लस। फिर ये क्या है, 7। तो 7 लिखो, और 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 1। तो 1 0 लगा दो, तो ये क्या हो गया, 70 प्लस 5। तो ये क्या हो गया, 675। अब देखो एक और नेक्स्ट, मैंने लिखा 324। क्या लिखा, 324। तब ये क्या है, 300। तो 3 लिखेंगे, और 3 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2। तो अपन कितने जीरो लगा देंगे, 2। फिर क्या लगाएंगे, प्लस। फिर क्या लिखा है, 2। तो लिखो 2। 2 के पीछे कितनी डिजिट है, 1। तो कितने जीरो लगा देंगे, 1। फिर क्या लिखेंगे आप, प्लस। प्लस अब ये कितना है, 4। तो आप क्या लिखोगे, 4। तो हो गया ये 300 प्लस 20 प्लस 4। क्या लिखा था, 324। तो 324 आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, 482। तो 4, तो ये लिखा 4। 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2। तो कितने जीरो लगा देंगे, 2। तो ये कितने हो गए, 400। अब क्या लगेगा, प्लस। अभी क्या है, 8। अब 8 के पीछे कितनी डिजिट है, 1। तो कितने जीरो लगा देंगे, 1। तो ये क्या हो गया, 80 प्लस। अभी कितना है, 2। तो ये अपन ने लिखा 2। 2 के पीछे डिजिट है क्या, नहीं है, तो 2 का 2 है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म। आया समझ में। अब आपको सारे एक्सपांडेड फॉर्म ऐसे ही करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।